सबसे बड़े मतलब है उसे बेल आइकन मतलब है कि आपको मेरी हर वीडियो से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मानस जैन स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए। आज ये मेरे के ये हमारी एक नई योगा कासन की वीडियो है। आज मैं आपको बकासना या ककासना दोनों मतलब सिमिलर आसन हैं, इनके बारे में कुछ मैं आपको बताऊँगा। एक तरह से दोनों एक ही आसन है, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है, वो मैं आपको आज इस आसन में बताऊँगा क्या है क्या नहीं है। तो बकासना सिमिलर टू ककासना इज आसन इन हथ योगा इन मॉडर्न योगा। इट्स एन एंड उसमें ज़्यादा कोई इट्स देर इज नो मेजर डिफरेंस इन बकासना एंड ककासना। फर्स्ट वी लिफ्ट अप हाथ जमीन पर रखते हैं, इसमें अपने हाथ मुड़े हुए रहते हैं, उसे ककासना बोलते हैं। बकासना में हाथ एकदम स्ट्रेट रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लगाते हैं, लेकिन उसके बदले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ कि बकासन में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। बकासन में पहला बेनिफिट कि अपने हाथ को मजबूत करता है, हाथ को मजबूत करता है, बैलेंसिंग में मदद करता है, बैलेंस और कंसेंट्रेशन बढ़ाता है अपना, फूड डाइजेशन में भी हेल्प करता है, अपनी अपर बैक बोन को भी स्ट्रेंथ करता है, अपनी जितनी भी मतलब मसल्स है उनको स्ट्रेंथ अप करता है। इसमें पूरा अपना बैलेंस बनने की क्षमता बढ़ती है और भी कई तरह के फायदे हैं। एक बार करूँ तो आपको ऐसा हो सकता है कि मैं जो बताऊँ उससे आपको और अलावा और कोई नई जानकारी मालूम पड़े, मैं जो बता रहा हूँ उससे और नई नई जानकारियाँ मालूम पड़े उसके अलावा भी, तो वो भी आप बिल्कुल करके देखें। तो बहुत ही ईजी आसन है, करना चाहिए, इससे बहुत सारे फायदे तो हैं। हाथ को स्ट्रॉन्ग करता है, ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, अपर बैक बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, अपना कंसेंट्रेशन बढ़ता है, पैरों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है इसमें, ब्लड सर्कुलेशन तो हर चीज में होता ही है, अपना डाइजेशन मजबूत करता है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आप ऐसे पैरों में बैठ जाए, एक मिनट जरा कैमरा थोड़ा वो कर लो ताकि आप लोगों को दिखे प्रॉपर, और इनर स्ट्रेंथ भी बनाता है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ भी बनाता है, सब फायदे तो बहुत सारे आप करेंगे तो और नई नई चीज़ें करने का और नई नई चीज़ें भी मालूम पड़ती है, बताने में इतना मालूम नहीं पड़ेगा जो करने में मालूम पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने हाथ जमीन पर रख लें, ठीक है, ऐसे बैठ गए पैर थोड़े से उठे करके, और फिर अपने हाथ ऐसे रखें, और फिर अपने पूरा वेट जो है बॉडी का वेट हाथ पहले पहले हाथ मोड़े रखें, तो एक कासना हो जाएगा। ये बिगिनर्स के लिए जब आप पहले पहले करते हैं तो, और सबसे खास बात मैं ये कहना चाहूँगा ये आसन जब ना करें जब आपको कि हाथ में आ गई कुछ पेन हो रहा हो तो ये आसन बिल्कुल ना करें, ताकि उससे गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आपको कुछ पेन हो रहा हो, कुछ दर्द हो रहा हो, कोई भी तकलीफ हो रही हो तो ये आसन बिल्कुल ना करें। मैं आप एक बार ट्राई करेंगे, एक बार आप करने लगेंगे तो आपको फॉर्म होना रहेगा। इसे हाथ रख लें जमीन पर और फिर पूरा वजन पूरा बॉडी वेट इस पे, बॉडी वेट ना हो सकता है थोड़ा पूरे अच्छी तरीके से ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऐसे हाथ में रखें, ऐसे ककासन में इसमें हाथ होल्ड रखते हैं जब, तो ये बिगनर्स के लिए इसके एडवांस लेवल पे जाते हैं तो पसंद करते हैं, तो इसमें आपके हाथ एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल एकदम, अभी थोड़ा हो सकता है मेरे मुड़े हुए हूँ, लेकिन एकदम हाथ एकदम बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होना चाहिए। ऐसे करेंगे अभी, क्योंकि मेरा भी एकदम अभी मैं भी कर ही रहा हूँ, मैं डेली प्रैक्टिस भी करता रहता हूँ, जब मिलता है मैं ये वाला आसन भी करता हूँ, तो उससे कई फायदे मिलते हैं। करेंगे एक बार, बार बार करने में फिर इसके फायदे मालूम पड़ेंगे आपको और होने लगेगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जगह कम है इसलिए मैं ज़्यादा देर कर नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाकी कुछ कर सकते हैं। वो हाथ सीधे रखने का तो वह आगे एडवांस लेवल है, पहले आप हाथ फोल्ड रख के करें और जब वो होने लगे तो फिर आप स्ट्रेट आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ दर्द वर्द हो या कहीं पेन हो तो बिल्कुल हाथ में
कहीं भी दर्द हो तो बिल्कुल ना करें, और इसके फायदे तो आप करेंगे, दवा में पड़ेगा इसे, रिस्ट में भी, रिस्ट भी मजबूत करता है सब कुछ, मतलब एक टू जेड, मतलब करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। बस यही कहना चाह रहा था, बस ये आसन के आसन में इतना ही है, मेरा छोटा सा आसन था। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, कुछ नई वीडियो और कुछ नया लेके आएंगे, और कुछ नया आसन आसन के बारे में लेके आएंगे, कोई अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे, या कोई कॉमेडी वीडियो बनाएंगे, ट्रेनिंग वीडियो बनाएंगे, या कुछ भी वीडियो बनाएंगे, तो बहुत जल्द वो अपडेट करेंगे। अभी आप ये वीडियो एंजॉय करें, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको आगे मेरी वीडियोज़ के अपडेट्स मिलती रहे, ताकि मैं योगा की वीडियो डालूँ तो उसमें भी वो आपको देखने को मिले कि क्या आसन क्या होते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कोई इंटरव्यू वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, और मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी वीडियो डालूंगा तो आपको एक एक चीज़ की जानकारी मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, थैंक यू।